और अब इधर इनेलो में चल रही जंग का असर अब जिला स्तर पर दिखाई देने लगा है और इस जंग से इनेलो के कार्यकर्ता दो गुटों में बटे नजर आने लगे हैं। झज्जर के इनेलो पार्टी कार्यालय में आज इसकी वानगी देखने को मिली है, जहां सांसद दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में इनेलो कार्यकर्ता दो गुटों में बचे दिखाई दिए। दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में आने से पहले एक तरफ दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद और हमारा सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता अभय चौटाला और अशोक अरोड़ा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दुष्यंत ने कार्यक्रम में पहुंचने के बाद कहा कि अभी नारों पर कंट्रोल रखो, आगे एक साल के आपको एक साल तक नारे लगाने हैं। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि जो फैसला आया उसका मैं स्वागत करूंगा, लेकिन सही फैसला समय पर आप लोगों को ही करना है। दुष्यंत ने कहा कि विरोधियों से मिलकर पार्टी को तोड़ने के आरोप जो उन पर लगाए गए हैं वो उनका जवाब जरूर देंगे। जो लोग आज हमें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को जवाब देने का हमें काम करना है। अनुशासन समिति की ओर से जब भी मेरे पास कोई सूचना आएगी, मैं अपने तथ्य जरूर रखने का काम करूंगा, पर जो आरोप मुझ पर लगे मैं जरूर आपके सामने भी रखना चाहूंगा। अनुशासन समिति जो भी फैसला देगी उसका स्वागत करूंगा, पर फैसला फिर आप लोगों के बीच में छोड़ूंगा, आपने करने का काम करूंगा।